अलारा साहिबा का जो प्रोजेक्ट है वो अब हमें जल्दी खत्म करना होगा। कल भी मैं अलारा के साथ था, उन्होंने तो कुछ नहीं। कल नहीं थी लेकिन आज जरूरत है, तो अब आप सबके पास इस काम को करने के लिए सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। इसके पीछे जरूर कोई और वजह है। उसने अपने बाबा से शिकायत की है कि वो हमारी टीम से खुश नहीं है। तो किससे ना खुश है वो? टारगेट पे ध्यान दो प्लीज। यहाँ हम सब ने गलतियाँ की हैं बुराक, और उसने फिर भी हमें बचाया। दमीर भी गलती कर रहा है, अपने इमोशन से बिजनेस अफेक्ट करेगा वो, तो उसे रोकना होगा। अलारा उसे पसंद करती है, इसमें दमीर की कोई गलती नहीं। अगर वो ये गलती करता तो उसे हरगिज ना रोकते हम लोग। तुम अचानक से उसकी हिमायत कुछ ज्यादा नहीं करने लगी? तुमने शादी कर ली, मैं और इबो साथ हैं, सोचो हमसे पहले सिलीन ने शादी कर ली तो। हाँ। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बुराक तुम में पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है, शादी का इरादा लग रहा है उसका। अब बुराक बीच में कहां से आ गया? तुम लोगों के दिमाग में उसका नाम क्यों आता? तो कोई और भी है क्या? तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती, और तुम इस कुर्सी पे नहीं बैठ सकती। मैं इस कंपनी की क्लाइंट हूँ, कोई एम्प्लॉय नहीं जो शॉर्टकट का तरीका अपनाए। तुम दमीर के लिए महज एक क्लाइंट हो, वो क्लाइंट जो इस कंपनी को खसारे से बचा सकता है। बस काम करना रह गया, वो भी एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? दमीर ने सब कुछ बता दिया है मुझे, और ये कि उसकी माँ किस तरह उसे बचपन में छोड़कर चली गई, और दमीर पर उसके बाबा का गुस्सा करना, ये शहर उसे उसके बचपन के जख्म याद दिलाता है। ऐसा है? दरअसल वो ये बातें किसी को बताता नहीं है, तो मुझे अंदाजा नहीं था। लेकिन हम दोनों में काफी चीजें एक जैसी हैं। जब वो मेरे साथ होता है तो मुझसे कुछ भी नहीं छुपा पाता। हैरानी हुई सुनकर।